हेलो। अच्छा भैया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपको बिग बॉस 18 ऑफर हुआ था, पर बिग बॉस शुरुआत हुआ आप उसमें नजर नहीं आए। ऐसे क्या रीजन है कि आपने बिग बॉस को ना कहा? या पहली चीज तो ये कि हाँ, मतलब मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था इस साल, लेकिन मेरी मेकर्स से मीटिंग भी हुई थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मेटेलाइज नहीं हो पाई। एंड आई थिंक जीवन में जो भी चीज़ नहीं होती है वो अच्छे के लिए ही नहीं होती है, तो हमेशा मैं यही मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कि चीज़ें मेटेलाइज नहीं हुई। और फिर मेरी कुछ कमिटमेंट्स भी थी, जैसे कि मेरा पूरा जनवरी जो है वो आई एम शूटिंग आउटडोर, देन अभी मैं ग्रीस जा रही हूँ, तो मेरी कुछ कमिटमेंट्स भी ऐसी थी कि बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो रही थी। तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, तो बिग बॉस 18 कितना ज्यादा फॉलो कर रही हैं आप? ऑनेस्टली मैं उतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे थोड़े जो भी कंटेस्टेंट उसमें गए हैं उसके बारे में ज़रूर पता चला है, तो बस, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने अभी तो कुछ देखा नहीं है ऑनेस्टली। अच्छा, इस बार का जो बिग बॉस 18 है, लोग काफी ज्यादा बोरिंग कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि इस बार के जो कंटेस्टेंट है वो काफी बोरियत भरे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेकर्स ने कोशिश तो पूरी की है, बिकॉज सी ऑनेस्टली व्हेन आई मेट द एंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, और जिस तरीके का उनका सेटअप है, एवरीबडी इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो मुझे लगता है मे बी अभी शायद इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो उतना अच्छा नहीं हो रहा, बट मे बी देर इज सम स्पाइस एडेड और आगे चल के कुछ और अच्छा हो जाए। आई एम श्योर उन लोगों ने जो भी कंटेस्टेंट्स लाए थे, बट आई गॉट टू नो दैट देर वॉज दिस क्यूट डोंकी जिसे निकाल लिया बिकॉज बेटा ने एतराज जताया। तो मुझे लगता है कंसेप्ट तो उन्होंने पूरा सोच समझ के किया था, एंड पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड दे हैव गॉट देम टुगेदर। बट अब वो तो डेस्टिनी की भी बात होती है कि किसकी चीज़ें कैसे मेटेरियलाइज हों, कौन सा कंटेस्टेंट अचानक से पिकअप कर जाए, यू नेवर नो। सो मे बी नाउ इट हैज नॉट स्टार्टेड, बट मे बी लेटर ऑन इट मे जस्ट क्लिक। अच्छा, बिग बॉस 18 को बिग बॉस 13 के ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है। कोई शहनाज बनने की कोशिश कर रहा है, कोई सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली विवियन को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है। ऑनेस्टली मैं सुधा शुक्ला की बहुत बड़ी फैन हूँ, और बिग बॉस 13 मुझे लगता है कि द अल्टीमेट बिग बॉस है। आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस 13। आई थिंक जितने भी कंटेस्टेंट तब थे वो दिल में बस गए हैं, जितने भी हैं, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट सिद्धार्थ शुक्लाज लॉजिक एंड द वे ही हैंडल एवरीथिंग, आई एम सॉरी, यू जस्ट कांट कंपेयर हिम विथ एनी वन। किसी और के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने अभी तक वो जुड़ाव महसूस नहीं किया है इस बार के बिग बॉस में। बट सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, उनकी जो क्यूटनेस थी, और शहनाज बहुत ही फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर की तरह आई थी, और जिस तरीके से उनकी मस्तियाँ होती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई इतनी मेहनत की जा रही है, एक्टिंग की जा रही है। एवरी थिंग वॉज सो ऑर्गेनिक एंड इट वॉज सो फ्रेश कि बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक देर शुड बी नो कंपेरिजन। बिग बॉस 13 इज जस्ट हियर इन द हार्ट। कुछ सीजन के बाद ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि कौन से विनर कब बन सकते हैं, और इस बार भी बिग बॉस 18 के विनर साफ तौर पे विवियन नजर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कि आपको भी ये चीज फील हो रही है? मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो भी आर्टिस्ट कलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है उन्हीं को जिता दिया जाता है। तो लेट्स सी, आई मीन सरप्राइज जो एलिमेंट है वो आई एम श्योर बिग बॉस के मेकर, जब सारे लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मे बी देयर कैन बी अ ट्विस्ट इन द टर्न, मे बी समवन इन द वाइल्ड कार्ड एंट्री एंटर्स एंड सब कुछ एकदम अचानक से चेंज हो जाए। बट या यू आर राइट दैट ऐसा देख कर लगता है, और जो भी अभी मैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट रैंडमली फेसबुक पे आते रहते हैं, वेयर यू नो लाइक ओजी विविन डिसेना एंड दिस एंड दैट, आई एम श्योर ही हैज अ ग्रेट फैन फॉलोइंग एज वेल, बट हाँ, एवरीबडी इज प्रिडिक्टिंग कि वही जीतेंगे, तो मे बी देर कैन बी अ ट्विस्ट, बट या आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। एंड अगर मेकर्स जिता रहे हैं तो जिताए जो जेन्युइनली लाइक सिद्धार्थ शुक्ला ने जेन्युइनली दिल जीता था, तो उन्हें जिताया था तो मजा आया, तो वैसा ही कुछ होना चाहिए आई थिंक। ओके, थैंक यू सो मच विनय हमसे बात करने में। थैंक यू सो मच।